क्या होगा जो हम वोट नहीं देंगे, कितनी गर्मी है वहां भाई साहब। ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है, सोचिए वो गर्मी कैसी होगी जब आपको होली मनाने से रोक दिया जाएगा। आपके मंदिरों की घंटियों को अखिलेश की पुलिस बाहु पास में लिए खड़ी रहेगी क्योंकि बगल की मस्जिद में अजान चल रही है। सोचिए उस गर्मी के बारे में जब राम मंदिर पर एक भीड़ चढ़कर उसके ध्वज स्तंभ को तोड़कर चांद तारे लगा देगी। सोचिए उस गर्मी के बारे में जब आपकी बहन नेहा को कोई फयाज कॉलेज में सरेआम चाकुओं से गोद देगा या आपकी बेटी अंकिता को कोई शाहरुख जीवित जला देगा। वह गर्मी याद कीजिए जब आपकी कांवड़ यात्रा रामनवमी शोभा यात्रा पर हर जिले में पुष्प वृष्टि की जगह शिलावृष्टि, बमबाजी या आगजनी की जाएगी और आप ही पर केस दर्ज हो जाएगा। एक गर्मी तो वह भी होगी जब ईद पर बिजली आपूर्ति जबरदस्त होगी और आप होली दिवाली में अपने घर का बल्ब मोमबत्ती से खोजते रहेंगे। टूटी सड़कों पर लगे जाम में ऑटो, बस, कार, बाइक पर आपको तो और भी गर्मी लगती होगी। क्या कांग्रेस वहां दोनों तरफ एसी की व्यवस्था कर दिया करती? आपके पैसों से होने वाले घोटालों के कारण आपको कभी गर्मी लगी या नहीं? एक ही एम्स में 4 बजे सुबह से लाइन में लगे रहने पर कभी गर्मी लगती थी या नहीं? साइकिल पर ट्यूब से बंधे सिलेंडर लेकर दिन भर बैठने के बाद भी टूटी सड़क से खाली सिलेंडर ले जाते हुए कभी गर्मी लगी थी या नहीं? 5 वर्ष तक ठंडे मस्तिष्क के साथ भारत की विकास यात्रा के सहभागी बनने के लिए 2 घंटे की गर्मी झेलिए और वोट दीजिए जाकर। आपका एक वोट बहुतों की गर्मी शांत कर देगा जो आपके अस्तित्व को ही शांत करने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। वोट कीजिए।